दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर में, और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं इंडिया के सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप यहां पे आ सकते हैं, कैसे अपना पूरा ट्रिप प्लान कर सकते हैं और कौन कौन से लोकेशन पे आपको होटल बुक करनी चाहिए। साथ ही साथ इस ओवरऑल ट्रिप में कितना एक्सपेंस आने वाला है, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड के साथ आ रहे हैं तो कौन सी ऐसी कंपनी है ट्रस्टेड जहाँ से आप अपने पैकेज बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कश्मीर जाने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है बाई ट्रेन। अगर आप ट्रेन से प्लान कर रहे हैं तो अपने किसी भी सिटी से जम्मू के लिए आप ट्रेन बुक कर सकते हैं, और जम्मू पहुंचने के बाद आपको लोकल ट्रेन करनी पड़ती है बानिहाल रेलवे स्टेशन के लिए, जो कि श्रीनगर से सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। बानिहाल रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ से आप कैब कर सकते हैं अपने श्रीनगर होटल जाने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होता है वो होता है बाई फ्लाइट, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, और आप अपने किसी भी सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल जाती है। इसका किराया लगभग 10 से 12,000 रुपये पर पर्सन राउंड ट्रिप होता है। और दोस्तों आज है हमारा डे टू और हम निकल चुके हैं गुलमर्ग के लिए। लेकिन गुलमर्ग पहुंचने से पहले हम जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह जिसका नाम है द्रुंग वाटरफॉल, और आइए दिखाता हूं आपको यहां का नज़ारा। तो हेलो दोस्तों, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं द्रुंग वाटरफॉल, और आप मेरे पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं। पूरा वाटरफॉल फ्रोजन होता है और ये नज़ारा आपको दिसंबर से लेके मार्च तक देखने को मिल सकता है। तो आप जब भी प्लान करते हैं दिसंबर से लेके मार्च तक, तो ये पूरा वाटरफॉल आपको फ्रोजन मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, जब आप गुलमर्ग आते हैं तो वहाँ से तनमर्ग के रास्ता कटता है जहाँ से आप कैब कर सकते हैं, और इसका फेयर अलग से आपको 2,000 से लेके 2,500 के बीच में आता है, और ये पूरा डिपेंड करता है आपके बार्गेनिंग स्किल पे। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और ये पूरा एंजॉय कर सकते हैं वाटरफॉल का व्यू। और दोस्तों द्रुंग वाटरफॉल कवर करने के बाद हम अब सीधे जा रहे हैं गुलमर्ग, जहाँ पे हम करने वाले हैं गोंडोला राइड फेज 1 फेज 2 के लिए। और रास्ते में आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल रास्ता है, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। यहाँ पे पूरा चारों तरफ स्नो ही स्नो है और इतना अच्छा लैंडस्केप, सीरियसली यूं ही नहीं कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। तो दोस्तों गुलमर्ग पहुँचने के बाद यहाँ से गोंडोला पॉइंट तक जाने के लिए हमने किया हुआ अपना स्लज राइड, और बेसिकली पैदल अगर आप जाते हैं तो थोड़ा सा स्लीपरी होता है और थोड़ा सा ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो सबसे अच्छा रहता है अगर आप स्लज राइड कर लेते हैं, तो इसकी जो कॉस्ट होती है 700 से लेके 1,000 रुपये होती है, लेकिन थोड़ी सी बार्गेनिंग करके आप अच्छा रेट ले सकते हैं, यानी कि 300 से 400 रुपये में आपको ऊपर तक लेके जाएंगे। और दोस्तों गुलमर्ग में अभी चॉपर राइड भी स्टार्ट हो चुकी है, तो 5 से 6,000 रुपये पे करके आप ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग के गोंडोला पॉइंट पे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहीं से एंट्री होती है गोंडोला के लिए, और इसका बुकिंग जो होता है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। और गोंडोला राइड का जो कॉस्ट होता है वो फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज के लिए जो आता है पर पर्सन 1,800 रुपये आता है। और दोस्तों जो गोंडोला राइड का एक्सपीरियंस है ये रियली ऑसम है, और आई विल सजेस्ट एवरीवन कि अगर आप गुलमर्ग आते हैं तो गोंडोला राइड बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि यहाँ से जो व्यू है वो रियली किसी जन्नत से कम नहीं है। तो दोस्तों अभी हम हैं गोंडोला के फेज 1 पे,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे जितने भी स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं गोंडोला के सेकेंड फेज़ पे, जो कि आप कह सकते हैं सी लेवल से 14,000 अबव है, और यहां से व्यू जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वाह। और दोस्तों, श्रीनगर से आज हम निकलने वाले हैं सोनमर्ग के लिए, जो कि फेमस है वहाँ के ग्लेशियर्स के लिए, और वहाँ पे जो मेन ग्लेशियर हैं वो है थाजीवास ग्लेशियर और ज़ीरो पॉइंट, जो कि जुजिला पास के नाम से भी जाना जाता है। और आइए अब मैं दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का नज़ारा, कितना ब्यूटीफुल है ये जगह। तो दोस्तों, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं सोनमर्ग में, जिसका श्रीनगर से डिस्टेंस है अप्रॉक्स 70 किलोमीटर। और बेसिकली सोनमर्ग जो फेमस है यहां के ग्लेशियर्स के लिए, जिसमें से सबसे मेन ग्लेशियर है थाजीवास ग्लेशियर। और अभी जस्ट हम नीचे से जाने वाले हैं ग्लेशियर की तरफ, तो मैं आपको दिखाता हूं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है वहां का। और मैं आपको साथ में बता दूं, ग्लेशियर तक जाने के लिए आपको दो तीन ऑप्शन होते हैं, जैसे बाई वॉक भी आप जा सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे स्नो स्कूटर चलते हैं, आप इनके थ्रू भी जा सकते हैं, और इसके अलावा साथ साथ आप यहाँ पीछे स्लेज राइड भी होती है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो स्नो स्कूटर के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं 2,000 से 2,500 रुपये, जिसमें आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं, और स्लेज राइड के जो चार्जेस होते हैं वो अप्रॉक्स, ये बोलते हैं 1500 है, लेकिन आप 800-1000 रुपये भी कर सकते हैं, राइट। और आइए सबसे सस्ता रास्ता मैं दिखाता हूँ कैसे जाते हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर ग्लेशियर के पास, और वहां से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा नज़ारा कैसा दिखता है थाजीवास ग्लेशियर का। और दोस्तों, ये है वो रास्ता जैसे आप फ्री में जा सकते हैं ऊपर तक, और चलिए अब मैं दिखाता हूँ पूरा व्यू ऊपर का। फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद हम लोग स्टॉप पे पहुंच चुके हैं थाजीवास ग्लेशियर के पास, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है पूरा थाजीवास ग्लेशियर का नज़ारा। और यहाँ पे ये भैया मुझे मिले, और यहाँ का जो सबसे फेमस चीज़ है वो है कश्मीरी कावा। तो ये कैसे पिलाएगा आप कावा? बस आप अभी पिलाएगा आपको कावा। बिल्कुल भाई, एक बना दो हमारे लिए भी, एक बनाएगा। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, तो यहाँ पे आप जब भी आओ पूरे गर्म कपड़े पहन के आओ, साथ साथ आप ट्रैकिंग सूट भी लेके आओ, जो यहाँ पे नीचे रेंट पे आप ले सकते हैं, अदरवाइज पूरे स्नो में चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन हाँ भाई, अगर आप ऊपर जब पहुँच जाते हो तो यहाँ का व्यू देखो आप, वाह कितना असम व्यू है। और ये है हमारे पीछे प्रॉपर थाजीवास ग्लेशियर, और यहाँ ग्लेशियर पे पहुँच के कावा पीने का मज़ा ही अलग है। गुलमर्ग सोनमर्ग कवर करने के बाद आज हम निकल चुके हैं पहलगाम के लिए, और पहलगाम में हमने अपना एक नाइट होटल स्टे भी बुक किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, पहलगाम जो बेसिकली फेमस है वो है यहाँ के वैलीज़ के लिए। वैलीज़ क्या आप कह सकते हैं, सबसे ब्यूटीफुल वैलीज़ के लिए, जिसमें से आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदनवारी, साथ साथ एक और वैली है जिसका नाम है भाईसरन वैली, जो कि बहुत ही कम लोग जाते हैं, लेकिन ये सबसे फेमस जगह है और आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इनके लिए चार्जेस क्या होने वाले हैं, कौन से होटल में हम रुके हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ पहलगाम में, और मैंने यहाँ पे जो अपना स्टे बुक किया हुआ है वो है होटल भाईसरन। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना लग्जरियस रूम है, और इस रूम में आपको सारी बेसिक फैसिलिटीज मिल जाती है, जैसे कि रूम में आपको
रूम हीटर मिल जाता है और साथ साथ आपको बेड हीटर भी मिल जाता है, जहाँ पे आप ठंड के अकॉर्डिंग अपना रूम का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आइए मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या है इस होटल में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वाटर बॉटल मिल जाता है और साथ साथ कॉफ़ी के सेशन वगैरह मिल जाते हैं, जिससे कि आप कॉफ़ी वगैरह खुद से बना सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो वॉशरूम है कितना नीट एंड क्लीन है। और मैं आपको बता दूँ, इस होटल का जो रेट मुझे पड़ा है वो पड़ा है 6,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से। तो जनरली अगर आप बुक करते हैं ऑनलाइन तो इसका रेट आता है 8,000 से 10,000 रुपये, लेकिन मैंने अपनी जो बुकिंग पूरी की हुई है वो की हुई है टूर्स क्रिएटर कंपनी से, जहाँ से मुझे ऑलमोस्ट ये 6,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से होटल मिल गया है। तो दोस्तों, आज हम निकलने वाले हैं बायसरन वैली के लिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पूरा कैसा दिखता है बायसरन वैली और कैसा है वहाँ का व्यू। तो हेलो दोस्तों, पहलगाम पहुंचने के बाद होटल में चेक इन किया हमने और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं बायसरन वैली के लिए। और यहाँ पे हमने किया है पोनी राइड, आप देख सकते हैं। इसका रेट जनरली होता है 2,000 से 2,500 रुपए, लेकिन आप थोड़ा सा नेगोशिएट करके इसको 1,500-1,600 में भी करा सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ 2-3 पॉइंट कवर होती हैं, लेकिन उसमें अगर आप कुछ और एड ऑन कराना चाहते हैं तो एडिशनली 2,400 रुपए दे के आप उसको भी एड ऑन करा सकते हैं। दोस्तों, कश्मीर को यूं ही नहीं जन्नत कहा जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो बायसरन वैली के लिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएं, व्यू और भी अच्छा होता जाता है। चारों तरफ ये बर्फ से लदा हुआ पाइन ट्री और हर तरफ बर्फ ही बर्फ। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं बायसरन वैली और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा बायसरन वैली पाइन ट्री से सजा हुआ है। और यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है और साथ साथ अगर हम देखें सीनिक व्यू के हिसाब से तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली है। तो दोस्तों, बायसरन वैली आने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना पड़ता है पोनी राइड, जिसके गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं 1,820 रुपये, लेकिन आप इनसे थोड़ा सा नेगोशिएट करके 1,200 से 1,500 में भी कर सकते हैं। मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त पहलगाम में, जिसे लैंड ऑफ शेफर्ड भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, पहलगाम फेमस है मेन यहां की ब्यूटीफुल वैलीज के लिए, जिसमें से जो मेन वैलीज है एबीसी, यानी कि आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदनवारी। और इसके साथ साथ एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी वैली है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, उसका नाम है बायसरन वैली। तो अभी आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ आरू वैली में, जहाँ का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये वैली भी बहुत प्यारा है। साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप आरू वैली, बेताब वैली या चंदनवारी के लिए आना चाहते हैं तो जो कैब आपने किया हुआ है श्रीनगर से पूरा अपना घूमने के लिए, वो कैब यहाँ पे नहीं चलती है। तो इसके लिए आपको यहाँ की लोकल यूनियन टैक्सी करनी पड़ती है। अगर दो लोगों की बात करें तो उसका आपको किराया लगेगा 2,050 रुपये। आप 2,050 रुपये दे के यहाँ की लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं, यानी कि आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदनवारी की।
हूँ श्रीनगर के परी महल पे, और ये ऐसी जगह है जहाँ से आपको पूरे डल लेक का और श्रीनगर का प्रॉपर व्यू आता है, और यहाँ से आप पूरा नज़ारा ले सकते हैं डल लेक का। कर लेते हैं हमारे इस पूरे ट्रिप में कितना एक्सपेंस आया। तो सबसे पहले जो हमने बुक किया था अपना होटल के चार्जेस जो हमारे वो है 4,500 रुपए पर नाइट, यानी कि टोटल 3 नाइट होटल का श्रीनगर में हो जाता है 13,500 रुपए। इसके साथ साथ हमने जो बुक किया अपना हाउस बोट 1 नाइट के लिए, उसके चार्जेस है 5,000 पर नाइट। और तीसरा स्टे जो हमारा था वो था पहलगाम का, जिसके चार्जेस पड़े हमें 6,500 रुपए। तो टोटल अगर मैं होटल की बात कर लूं तो ये चार्जेस होते हैं टोटल 25,000 रुपीज। और जो गाड़ी मुझे पड़ी है पूरा पिकअप ड्रॉप से लेके और पूरा श्रीनगर घुमाने का और पहलगाम गुलमर्ग सोनमर्ग हर जगह जाने का, वो पड़ा है मुझे 15,000 का टोटल, यानी कि 2,500 पर डे के हिसाब से। तो अगर टोटल पैकेज कॉस्ट की बात करें तो गाड़ी का प्लस होटल का ये मिला के हो जाता है मेरा 40,000 का, जिसमें मेरा एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप सारी साइट्स इंक्लूडेड है, और इसके साथ साथ होटल इंक्लूडेड है, और होटल में ब्रेकफास्ट एंड डिनर के साथ प्लस 1 नाइट हाउस बोट भी है। और हाउस बोट में मैं आपको बता दूं 1 आवर का कॉम्प्लीमेंट्री शिकारा राइड भी मिलता है आपको।